नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी बताने वाले हैं डॉक्टर हरीश नागौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के अंतर्गत एंट्रेंस एग्जाम सत्र 2021-22 में जिन भी छात्रों ने यूजी, पीजी और पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, प्रवेश लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर बताना चाहेंगे। आपका रिजल्ट जो है स्क्रीन पर आ चुका है, रिजल्ट साइट पर अपलोड हो चुका है, तो आप अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं और इसकी जो सारी प्रोसेस है वो क्या है, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। तो इसके वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने जो है डॉक्टर हरीश नागौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश की जो साइड है ओपन की हुई है, यहाँ पे हम यूजी, पीजी और पीएचडी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। यूजी पीजी के लिए जो वीडियो है हम पहले दे चुके हैं, इस वीडियो में भी हम आपको बताना चाहेंगे यूजी और पीजी और पीएचडी का रिजल्ट आप कहाँ से और कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट पर चलते हैं। यहाँ पे हमारे सामने रिजल्ट पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2021 है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको यूजी और पीजी का भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आज 15/11/2021 को जो है यहाँ पे रिजल्ट जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं रिजल्ट पोस्ट ग्रेजुएट और रिजल्ट अंडर ग्रेजुएट, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है हम पहले दे चुके हैं। अब यहाँ पे हम पीएचडी के बारे में बताना चाहेंगे। पीएचडी का जो रिजल्ट ओपन हो चुका है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसकी डायरेक्ट ही लिंक पीडीएफ की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट ही आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पे हम पीडीएफ ओपन करते हैं, इसे हम थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर हरीश नागौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट 2021 रोल नंबर बेस लिस्ट ऑल कैंडिडेट्स। यहाँ पे पीएचडी में जिन भी छात्रों ने आवेदन किया था उनका यहाँ पे मैट जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जारी हो चुका है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका प्रोग्राम कोड दिया होगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट दिया होगा। तो यहाँ पे आप कोड और सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिता का नाम और यहाँ पे आपको मार्क लिखा होगा। मार्क में आपका क्वालिफाइड या फिर एब्सेंट या अनक्वालिफाइड लिखा हुआ होगा, यानी नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ होगा। अगर आपके मार्क में क्वालिफाइड लिखा है तो आप क्वालिफाइड हैं। अब आपको जो है नेक्स्ट प्रोसेस का वेट करना है, तो इसके लिए आप यहां देख सकते हैं आपका रोल नंबर है, रोल नंबर आप चेक करें। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपको मार्क में क्वालिफाइड लिखा है यानी आप क्वालिफाइड हैं, एबसेंट लिखा है यानी आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, इसके बाद नॉट क्वालिफाइड लिखा है, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट क्वालिफाइड लिखा है तो आप क्वालिफाइड नहीं हैं। तो यहाँ पे ये मैट लिस्ट निकल के आ चुकी है, रिजल्ट आ चुका है। समस्त कैंडिडेट, समस्त स्टूडेंट इस पीडीएफ को ओपन कर अपना जो है रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड है तो आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वेट करें, बहुत जल्द इसकी जो डेट है वो जारी होगी और यूजी पीजी के लिए भी जो काउंसलिंग की डेट है वो जारी होगी, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। और आप साथ ही मुख्य वेबसाइट पर भी डेली अपडेट देखते रहें। जो है 15 को रिजल्ट प्रकाशित हुआ है तो 17-18 तारीख को आपकी काउंसलिंग की जो डेट है, जो इन्फॉर्मेशन है वो जारी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक हम सबसे पहले पहुंचाते रहें। धन्यवाद।